ऐसा अभी क्या किया तुमने ये बताओ, 2000 रुपए लिए तो नहीं मेरे भाई से? नहीं लिया मैंने। अभी रुक जाओ, मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ कि मासूम लड़कियों को फंसाते हो। तो मैम एक सेकंड, आप कैसे? हेलो मैम, हेलो मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ जनकपुरी से। हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई नो बहुत टाइम बाद आपके रिट्स की वीडियो आ रही है यार, तो टाइम ही नहीं मिला। आपको पता ही था अभी सिंगल से कमिटेड हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि एक प्यारी सी वीडियो शूट करने का। तो बहुत दिनों बाद यार शूट किया, तो हम लोगों को आपको आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो पहली जो वीडियो बना रही हूँ शादी के बाद, वो बनाने वाली हूँ भाई के साथ। तो ये है जय, इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। तो हम लोग मिलकर करने वाले हैं आज बहुत ही कड़क प्रैंक, ठीक है? मज़ा बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि सामने बैठी हमारे एक लड़की बैठी है। ज़रा कैमरा जूम करके दिखाओ भाई, इस तरफ कैमरा जूम करके दिखाओ, फोकस करके लड़की को। तो लड़की को है जो है हम लोग प्रैंक करने वाले हैं लड़की पे, जो हम लोगों की प्लानिंग है बहुत ही फार सोची हम लोगों ने। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, यार आपकी वीडियोस भी नहीं आ रही, प्रैंक वीडियो छोड़ दी। मैं ऐसा कुछ नहीं है यार, प्रैंक वीडियोस छोड़ दी, कंटिन्यू करेंगे, आज से काम स्टार्ट कर दिया। तो भाई तू समझ गया क्या करना है? समझ गया मैं बिल्कुल, अब मेरी जॉब परफेक्ट है अभी, उसको बस कोई नहीं, भाई की 100% है, भाई अपना 100% देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उस पर मजाक कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने तेको सारी चीज़ें समझा दी है कैसे करना है, ठीक है? तो जा अभी और अच्छी वाली एक्टिंग करियो, बढ़िया वाली, ठीक है? फटाफट हेलो बोल, हेलो, ऑल द बेस्ट, हेलो। हेलो, क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? यस बैठ जाइए। हाय, एक्चुअली मैं यहाँ पर घूम रहा था, तो मैंने देखा आप अकेले बैठे हो, तो सोचा बैठ जाऊँ आपके पास। अच्छा, हाँ जी बैठिए, कोई इशू नहीं है। तो क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रही थी, तो घूमते घूमते आ गई मैं बैठने, ऐसे ही बस। मुझे आप अच्छे लगे यार जब भी मैं बैठा यहाँ पे आपके पास। थैंक यू, ओके। तो सिंगल हो आप? हाँ मैं तो सिंगल ही हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते आ गई। बॉयफ्रेंड नहीं है आपका? नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसे ही। मैं भी सिंगल हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है कि आप सिंगल हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है, आपका? मेरा नाम जय है। ओके नाइस नेम। कहाँ पर रहते हो आप? मैं तो रहती हूँ आसपास में रहती हूँ, घूमने आई थी बस ऐसे ही नॉर्मली। मैं भी। चलो अच्छी बात है। तो मैं भी घूम रहा था, तो मैंने देखा आप बैठे हो, तो सोचा आपके पास बैठ जाऊँ आके। अच्छा किया, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अकेले बोर हो रही थी। तो अभी आपके साथ और कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया, मैं तो खैर अकेले ही आई हूँ। मैं भी अकेला आया। चलो अच्छी बात है। और आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो, अच्छा चलो सही है। तो नंबर मिल सकता है आपका? नंबर अभी पहले तो एक दूसरे को जानना होता ना, क्योंकि अभी जस्ट आप आए हो, तो पहले एक दूसरे को जानना होता है, तो थोड़ी बहुत बात करते हैं फिर देखते हैं, है ना? आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, वैसे तो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऐसे ही आज वीक ऑफ है, तो ऐसे आ गई घूमने, संडे के दिन वैसे भी सब घूमने चलते हैं, तो इसीलिए। चलो फिर मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने अभी तो नहीं, कुछ काम है, और आप देख लो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, है ना? नंबर तो दे दो फिर। ठीक है नंबर ले लेना, थोड़ा सा बात कर लो पहले, फिर ले लेना नंबर। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ, अब हो नहीं पे तो कोई इश्यू नहीं है, अभी मैं भाग तो नहीं रही हूँ ना, आप भी हो मैं भी हूँ, कर लेते हैं बात, फिर बाद में नंबर दे देंगे। और लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक? सब ठीक है। और आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हो आप? हाँ हम साथ में रहते हैं, फैमिली में ही रहते हैं। और आपके? हम भी यहीं पर ही रहते हैं। कितने भाई बहन हो आप? है तो आप अकेले ही घूम रहे थे ऐसे? मैं अकेला घूम रहा था, दोस्त को बुलाने गया तो वो घर पर नहीं था, तो अच्छा, मैं सोचा अकेला आ जाऊं क्योंकि घूमने का। अच्छा तो यहाँ पे ये हो रहा है मेरी एब्सेंस में, तू क्या बोल रहा था? तेरी आज इंस्टीट्यूट का ऑफ है तेरा आज? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? मैं तो बैठी थी पहले से, ये आया मेरा फ्रेंड, मतलब अभी जस्ट। तुम्हारा फ्रेंड? ये फ्रेंड कैसे हो गया? ये आई पहले, मैं नहीं आया यहाँ पे, मैं बैठा था इधर, ये आगे पहले। ये तो दिल्ली में नया है, इसके तो कोई फ्रेंड नहीं है। आप कौन हो? आप ये बताओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बता पहले। मैं बैठा था इधर, ये आके अपने आप कहते हैं मुझे, कैसे हो आप? मैं पहले से बैठी हूँ, ये आके मेरे से फ्लर्ट कर रहा है और अभी झूठ बोल रहा है। आप खड़े हो जाओ पहले अपनी जगह से, मेरी बात सुनिए। आप हो कौन? मैम आप मेरी बात सुनिए, ये मेरा ब्रदर है और छोटा भाई है। तुम मेरे भाई को फंसा रही थी क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ। और तू बता क्या कर रहा था अभी तक यहाँ पे? ये कह रहे मूवी देखने चलो। अच्छा मूवी देखने? तुम्हें मेरे भाई के साथ मूवी देखने जाना है? मैंने नहीं बोला। शकल देखिए अपनी, मेरे भाई के साथ मूवी देखने जाना है? तू बता, तेरे को तो मैं घर जाके तेरी टांगे तोड़ती हूं। तू कर क्या रहा है यहां पे? तू तो बोल रहा था तेरा इंस्टीट्यूट का ऑफ है। मैं तो अकेले आए हो, आज छुट्टी थी तो मैं पार्क आया था, तो यहां बैठा था मैं अपने आप आके मेरे पास आके। तो अच्छा तू भी कोई इतना हूर का परा नहीं है कि तेरे पास आके कोई लड़की बैठ जाएगी, क्या समझता तू अपने आप को? झूठ बोल रहा था अपनी बहन से। अच्छा तो तू दिल्ली में ये वारा गर्दी करने आया क्या, ये लड़की बाजी करने आया? और तुम मैम जानते हो मैं कौन हूँ?
पता है कौन हूँ मैं? मैम पता है? पता, मैं अकेले बैठी थी, खुद आके मेरे से बात तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बात करने की? मैम मुझे नहीं पता ना कि आपके भाई है, ये इसने बोला कि मैं पक्का तुम भी फ्लर्ट कर रही होगी मेरे भाई के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। नहीं किया, मेरा भाई सिर्फ 16 साल का, फ्लर्ट करेगा क्या वो लड़कियों के साथ? उसको तो पता भी नहीं अभी दुनियादारी का। क्यों बोल रहा आप, सच बता। मैं बैठा था जब आप आके बैठे मेरे पास। नंबर मांग रही होगी, नंबर मांग रही होगी, पैसा वैसा मांग रही होगी, यही कर रही होगी। मांगा, दिल्ली की लड़कियां होती ऐसी है क्या? क्या मैम, इसने मुझे नंबर मांगा, मैंने नहीं मांगा। अच्छा आप सच बताओ इन्हें। यही नंबर मांग रही थी, मैं नंबर क्यों मांगूंगा? मैंने कभी आज तक नंबर मांगा किसी से? मेरा भाई बहुत शरीफ है, मेरे भाई ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी है, ना उसकी कोई फ्रेंड है, तो ऐसे कैसे हो सकता है वो तुमसे नंबर मांगेगा? मैं वो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे और भी लोग है, मैं किसी से बात नहीं कर रही। अगर मेरे फोन चला, मेरी फ्रेंड होती तो मैं उसके साथ आ रहा था, मैं अकेला क्यों आया हूँ? सही बोल रहा, तू सही बोल रहा यार, मुझे तो पूरा भरोसा, मेरे लड़की पे भरोसा नहीं है। भाई है तो आप इसको सही मानोगे? और हम, अरे मेरा भाई सिर्फ 16 साल का है, मेरे भाई को इतनी वो नहीं है दुनियादारी के समझ। 16 साल का लग रहा है मैं, इसकी बस हाइट बढ़ गई है, लेकिन ये दिमाग से अभी दिमाग है, है, बच्चा है। ये खुद आके मेरे से बात कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं तो मान ही नहीं सकती। तुम कोई मेरे को सबूत दे दो, बात खत्म। प्रूफ है तुम्हारे पास? यहाँ पे और भी लोग हैं, आप पूछ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया। प्रिया तुम मुझको प्रूफ दे दो, अगर मेरा भाई फ्लर्ट कर रहा था तो जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप किसी से भी यहाँ, तुम मेरे भाई को फंसा रही थी ना? नहीं, मैं पैसा वैसा मांग रही थी, पैसा 2000 रुपए मांग रही थी। अरे पैसा मांग रही थी? मैंने कोई पैसे नहीं मांगा। नहीं मैम, मैंने पैसे नहीं मांगा, आई स्वेयर मैंने कोई पैसे नहीं मांगा, झूठ मत बोलो। तुम ऐसे मासूम लड़कों को फंसाती हो, पैसा मांग रही थी 200 रुपए? 2000 रुपए मांग रही थी? ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन तो 2000 कैसे मांग ली? मैम मैंने कोई पैसे नहीं मांगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मुझे नहीं। तुम्हारे पास बहुत हो गए फिर तुमने क्यों बात कर रही थी? तुम्हारे पास मैं बात ही नहीं कर रही थी, पहली बात तो मैं ऐसे जानती भी नहीं हूँ, मैं बस बैठी थी, खुद आके मेरे से किसी अनजान इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकती? मैम मैं बात नहीं करना चाह रही थी, इसने मुझे बोला कि तुम अच्छे लग रहे हो, मुझे बात करना है, मुझे नंबर चाहिए। नंबर नंबर दे रही थी अपने आप, मैंने नंबर दिया भी है आपको? नहीं दिया ना, तो अगर देने वाली थी ना तुम नंबर, वो तो मैं इंस्टेंटली आ गई। ऐसा अभी क्या किया तुमने ये बताओ? 2000 रुपए लिए तो नहीं मेरे भाई से? नहीं लिया मैंने। अभी रुक जाओ, मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ कि मासूम लड़के को फंसाते हो। तो मैम एक सेकंड, आप कैसे? हेलो मैम, हेलो मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ जनकपुरी से। हाँ सुनिए बताओ, एक मिनट रुके, जनकपुरी से बात कर रही हूँ मैम। यहाँ में एक लड़की है, इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और ब्लैक कलर का कोट पहना है, और ये मेरा भाई छोटा सा है, 16 साल का, भी नया नया दिल्ली में शिफ्ट हुआ है। ये लड़की उससे 2000 रुपए मांग रही है, कैसे कर रहे हो? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे कर रहे हो सर? हाँ हाँ, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, मैं आपको करंट लोकेशन शेयर कर रही हूँ। आप इनको बताओ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे, हाँ मैं अभी, आप इसको बताओ कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। लोकेशन भेज रही हूँ आपको। नहीं ऐसे, ये गलत है, आप बताओ इन्हें, आप इन्हें बताओ ना कैसे कर रहे हो आप? मैं क्या बताऊँ, मैं बैठा था ये अपने पास आके बैठ के मेरे पास। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं बैठी थी। कोई बात नहीं, अभी पुलिस वाले डंडे मारेंगे ना फिर सब सच निकल जाएगा, थर्ड डिग्री टॉर्चर। और क्या बताऊँ, आप देख लो कि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए। करंट लोकेशन शेयर करती हूं, आप मेरे पर्स चेक कर लो, मैंने कोई पैसे वैसे, वीडियो बना के रुको रो। हाँ ये रेड कलर की ड्रेस पहने और ब्लैक कलर का कोट पहना, यही है मैम। हाँ मैम यही है, जल्दी आइए। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ऐसे नहीं कर सकते हो मैम। अभी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आप कैसे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो फटाफट। पता नहीं आप दोनों कैसे हो, ऐसे किसी को नहीं फंसाना चाहिए। अभी हमने नहीं फंसाया तुम्हें, तुम मेरे भाई को फंसा रही हो। मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे बैठा था अपने पास, आके बैठ गई अपने पास। अरे मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है यार, तू मेरी जान है, ऐसा कर नहीं सकता। यहाँ पे और भी लोग हैं, पूछ लीजिए। अरे तुम लड़कियों के बारे में अच्छे से जानती हो। मेरे को 2000 रुपए, तुम्हें 2000 क्या 4000 रुपए मिलेंगे? रुको तो सही मैम, मैं अभी पुलिस आ बैठी थी। ये गलत बात है, आप गलत करो, आप इन्हें समझाओ ना कि गलत है। तुम ड्रामे मत करो यार, और रोने के ड्रामे बिल्कुल मत। हेलो, रोने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हेलो, रोने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी 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 यार सॉरी। अरे मजाक कर रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है यार, प्रैंक शूट कर रहे हैं, यूट्यूबर हूँ मैं, रेड जोन के नाम से चैनल है। ऐसे देखो सामने से हाय, हेलो बोल दो। सॉरी यार, सॉरी यार यार, हम लोगों भाई बहनों की ना प्लानिंग थी तो आप लोगों पे प्रैंक करने की यार, पर आपने तो हमें डरा ही दिया। हम पता है यार, नहीं लड़की ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है हम। मेरे को पता है यार, लड़की बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी है, तभी तो रो पड़ी यार। नहीं यार सॉरी यार, सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं है, मेरा छोटा भाई है। ये सच भी था तभी इनको रोना आया। हाँ ये सच्चे से तभी इनको रोना आया। अब देखो बुरा मानोगे ना आप बिल्कुल, तो मेरी पब्लिक बुरा मान जाएगी, तो इसलिए हाय कर दो, हेलो बोल दो। हेलो हाय, पक्का अपलोड कर दो यूट्यूब पे, परमिशन दे दो प्लीज, पक्का। नाइस मीटिंग यू यार, यू आर सो स्वीट एंड आई एम सॉरी यार, हम लोगों का काम है, आपको तो पता है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलो ओके, ध्यान रखना प्लीज, है ना। सॉरी वंस अगेन। सो गाइज, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और बताएं कमेंट में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।
और मेरी फर्स्ट वीडियो थी यार, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ प्यार देना बहुत ज़्यादा वीडियो को, फर्स्ट वीडियो भाई बहन की, और लव यू ऑल। अच्छे वीडियोस, प्रैंक वीडियोस तो अब आती रहेगी, लव यू।